नमस्कार दोस्तों, स्टॉक मार्केट स्टडीज में फिर से एक बार आपको दिल से स्वागत करता हूँ। तो आज आपके सामने फिर से एक नया स्टॉक के बारे में डिस्कस करने वाला हूँ। तो देखिए, नया जो स्टॉक है वो देखा जाए तो एक एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री से बिलोंग करते हैं, एक देखा जाए तो मीडिया सेक्टर से बिलोंग करने वाला कंपनी है। तो आज मैं जिसके बारे में बात करूंगा वो इंडिया के नंबर वन एंटरटेनमेंट और मीडिया सेक्टर इंडस्ट्रीज की कंपनी है। तो नंबर वन होने के बाद भी इस कंपनी का जो हालत है, फिलहाल की जो हालत है, वो आपको कुछ खास परफॉर्मेंस नहीं दिखेगा, क्योंकि जिस जिसका मैं इंतजार कर रहा था उसके बाद में इसके ऊपर वीडियो बनाऊंगा, क्योंकि बहुत सारे दोस्तों ने कमेंट किया था, सर अभी इस कंपनी के ऊपर क्या करना चाहिए। चलो कंपनी का नाम बता देता हूँ, तभी आपको और भी क्लियर हो जाएगा। कंपनी का नाम है जी एंटरटेनमेंट। तो जी आप सभी जानते हैं, जी एंटरटेनमेंट जो है, तो जिसके बारे में आपको मैं बहुत बार वीडियो बना चुका हूँ, तो आज मैं फिर से एक बार आपको इसके ऊपर वीडियो बना रहा हूँ। क्योंकि देखिए, बहुत सारे दोस्तों का जो कमेंट था, सर इस कंपनी का जो अभी फिलहाल का जो सिनेरियो है, जो कंपनी एक एक ही रेंज में काम कर रहे हैं, तो क्या इस कंपनी फिर से जो इसका जो न्यूज आया था तब, मतलब इसका जो मतलब इसका आप देखेंगे प्रोमोटर तो पूरा का पूरा माल बेच दिया, तो ज्यादा से ज्यादा एफआईएस के पास इस कंपनी का हिस्सेदारी देखने को मिलेगा। और एफआईएस ने एक मतलब अपील किया था इसका जो मतलब प्रोमोट इसका जो सीईओ है उसको चेंज करने के लिए। तो उसके ऊपर जब सीईओ चेंज हुआ, तो जब जब मतलब एक्चुअली जब चेंजिंग का मतलब न्यूज पब्लिश हुआ, तब जबरदस्त बाइंग देखने को मिला था और एक नया तेजी देखने को मिला था। तो बहुत सारे लोगों के उसी टाइम में मतलब मन में आ गया था कि कंपनी फिर से रीबैक कर सकते हैं। तो मैं आपको तब भी बताया था कि कंपनी में उतना दम नहीं है जो दम आप समझ रहे हैं। तो चलो मैं पूरा डिस्कस करूंगा, क्योंकि मैं कंपनी का रिजल्ट के वेट कर रहा था, तब रिजल्ट आ चुके हैं, पिछले दिनों में रिजल्ट आया था। तो चलो मैं उसी के ऊपर बात करूंगा, तो वीडियो को लास्ट तक देखना, और आपको बहुत इन्फॉर्मेशन मैं इस चैनल के माध्यम से आपको देता रहूंगा। तो वीडियो को लास्ट तक देखना, और अभी तक अपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो फटाफट सब्सक्राइब कर लीजिए, देर किस बात की। आपका सब्सक्रिप्शन आपको मोटिवेट भी करेगा, मतलब मुझे मोटिवेट करेगा, माफी चाहता हूँ, तो प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिए। तो चलो देख लेते हैं आज के स्टॉक के बारे में। तो सबसे पहले मैं चार्ट पैटर्न के ऊपर आ चुका हूँ, क्योंकि चार्ट पैटर्न आपको कुछ नजरिया कुछ दिखाना चाहिए मुझे। क्योंकि देखिए, कंपनी जब 2009 से, मैं यहाँ पे देखिए 2009 से भी पहले कंपनी चार्ट पैटर्न है, तो 2009 से आपको एक रिपोर्ट दिखा रहा हूँ, जब इसका कंपनी का प्राइस रेंज अराउंड अराउंड 95 रुपीज के आसपास था। उसके बाद कंपनी अच्छा खासा काम किया और कंपनी करीबन करीबन देखा जाए तो 320 रुपीज तक गया था। उसके बाद कंपनी ने स्प्लिट एंड बोनस लेकर आया और एडजस्टमेंट प्राइस जो बन गया था फिर से 95 रुपीज, मतलब पहले जो 95 था 2019 में, सॉरी 2009 में, 2011 में फिर से उसी लेवल में आ गया। उसके बाद कंपनी धीरे 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 जो ग्रोथ किया, बहुत शानदार ग्रोथ हुआ, और एंटरटेनमेंट इंडस्ट्रीज बहुत तरीके अच्छे तरीके से ग्रोथ हुआ। क्योंकि आप सभी जानते हैं, लोगों के घर में आप 2000 से पहले चले जाएंगे तो लोगों के घर में मतलब 2010 से पहले चले जाएंगे तो लोगों के घर में उतना ज्यादा टीवी नहीं थे और इंटरनेट का माध्यम भी नहीं थे, केबल्स का माध्यम नहीं थे, तो लोग घर में उतना ज्यादा टेलीविजन नहीं देखते थे। जी एंटरटेनमेंट जो है, इसका जी इंडस्ट्रीज है, आप जी का बहुत सारे चैनल्स आपने देखे होंगे, जी बिजनेस है, जी न्यूज है, आप स्टॉक मार्केट में जी बिजनेस को देखते हैं, तो साथ ही साथ जी जी न्यूज है, जी एंटरटेनमेंट, बहुत सारे कंपनीज है, तो मतलब बहुत सारे चैनल्स है, तो इससे एक मतलब इस कंपनी का टीआरपी मिलते हैं और एक अच्छा खासा प्रॉफिट मिलता है। तो इसलिए एक अच्छा खासा परफॉर्मेंस हो रहा था, उसके बाद लगातार गिरते चले गए। क्योंकि देखिए, जब से और भी स्टार आ गया, तो स्टार इंडस्ट्रीज को मतलब बहुत अच्छे तरीके से मार्केट कैप्चर किया, साथ ही साथ सन सन टीवी भी आ गया, इस तरीके से बहुत सारे जब चैनल मार्केट में कंपटीशन आ गया, तो इस कंपनी का हालत धीरे धीरे खराब होते चले गए। और आप देखेंगे तो ये जो टाइम पीरियड है, इस टाइम के बाद ही इसका जो प्रोमोटर है वो पूरा पूरा का पूरा माल बेच दिया, करीबन करीबन 3% के आसपास अभी प्रोमोटर के पास होल्डिंग है। तो क्यों होल्डिंग है, क्योंकि प्रोमोटर ने माल इसीलिए बेचा कि कंपनी का प्रोमोटर के ही खुद से पता चल गया कि कंपनी में आप उतना दम नहीं है जो दम पहले था। क्योंकि देखिए, कंपनी का जो हालत है, 2019 के बाद लगातार गिरते गए, और जो कंपनी पहले मतलब 95 में चल रहा था वो फिर से 100 के आसपास आ गया था। उसके बाद देखिए, फिर से लॉकडाउन के बाद यहाँ पे लॉकडाउन सिचुएशन आया था, उसके बाद लॉकडाउन के बाद ये जो पीरियड में जाम था, यहाँ पे मैं आपको पहले बता चुका हूँ, जो एफआईएस ने मतलब रिपोर्ट दर्ज किया था कि इसका जो सीईओ है उसको चेंज करने के लिए, तो उस जब न्यूज आया था तब एक अच्छे खासे बाइंग हुआ था, और इस जगह पे राकेश झुनझुनवाला जी ने भी अच्छा खासा बाइंग किए थे। और अब देखिए, उन्होंने तो माल और बहुत सारे बेच दिए, और अभी देखिए उसी लेवल में काम कर रहे हैं, और मेरे हिसाब से 200 डेज, ये जो ईएमआई का जो रेंज है,
200 डेज का जो ईएमआई है उसके नीचे ट्रेड कर रहा है। तो ये एक बहुत बड़ा नेगेटिव वीक है। जब 200 डेज के नीचे काम करते हैं तो स्टॉक और भी गिरने का चांसेस होता है। अगर उसको ब्रेक करते हैं और स्ट्रांगली ब्रेक करते हैं तो एक अच्छा खासा मोमेंटम देखने को मिल सकता है। हाँ देखिए, यहाँ पे ब्रेक हुआ था मगर उतना स्ट्रांग ब्रेक नहीं। यहाँ पे इसको बोलते हैं फॉल्स ब्रेकआउट। मतलब फॉल्स ब्रेकआउट क्या होते हैं मैं आपको टेक्निकल चार्ट पैटर्न में सिखाऊंगा, तो मेरे साथ जुड़े रहिए। तो ये था टेक्निकल चार्ट पैटर्न। अभी कंपनी का जो जो चीज में दिखाने के लिए सबसे पहले आया था कंपनी का रिजल्ट। तो कंपनी का रिजल्ट देखा जाए तो करीबन करीबन 40% प्रॉफिट डाउन है। मैं ये नहीं कहूंगा लॉस हुआ है, प्रॉफिट डाउन हो चुके 40%। क्योंकि मैं नहीं बता रहा हूँ, आप खुद वेबसाइट चेक करेंगे तो आपको पता चलेगा। यहाँ पर देखिए सर, 49% प्रॉफिट डाउन है। तो कितने डाउन है मैं आपको अभी अभी आपको यहाँ पे दिखा देता हूँ। टोटल इनकम के जो बारी, तो मतलब जितने सारे सब्सक्रिप्शन रेवेन्यू से, मतलब कंपनी जो सब्सक्रिप्शन लेके रखा है, तो जितने सारे इसके चैनल्स है, एडवर्टाइजमेंट रेवेन्यूज, मतलब देखिए चैनल कहाँ से चलते हैं। आप जितने सारे चैनल्स देखते हैं वहाँ से एडवर्टाइज के माध्यम से रेवेन्यूज आते हैं। तो देखिए एडवर्टाइज जो रेवेन्यूज है वो पिछले बार बहुत ज़्यादा था और इस बार बहुत कम हो गया, पिछले सालों के तुलना से ज़्यादा हुआ। तो सब्सक्रिप्शन जो है, मतलब जिसका सब्सक्रिप्शन लेके रखा है, मान के चलिए मैं आपको कोई भी स्पॉन्सरशिप वीडियो दिखा रहा हूँ तो उसका एक सब्सक्रिप्शन लेके रखा हो तो वहाँ से एक रेवेन्यू जनरेट होता है। मैं अभी तक कोई भी आपको स्पॉन्सरशिप वीडियो नहीं दिखाया हूँ तो माफी चाहता हूँ। तो यहाँ पे देखिए आधार सेल्स का जो है, मतलब आधार कुछ सेल किया उससे एक रेवेन्यू जनरेट हुआ। तो टोटल इनकम के बारे में बात करूँ तो 1,87,900, ऑब्वियसली लाखों में है ये जो फिगर, तो मैं लाखों को करोड़ों कन्वर्ट कर दूंगा लास्ट में। तो 2,36,000 पिछले सालों में, पिछले 12 में था, पिछले सालों में 1,80,000 था। तो कंपनी का जो सेल्स ग्रोथ है वो पिछले क्वार्टर से बीट नहीं कर पाया। और यहाँ पे टोटल एक्सपेंस के बारे में बात करूँ तो आप देखेंगे तो टोटल जितने सारे एक्सपेंस हुआ 1,69,000, जो पिछले बार था 1,92,000 और पिछले साल में था 1,50,000। तो ये एक मतलब एवरेजली एक्सपेंस को, मतलब एक्सपेंस को कंपनी ने मतलब कंट्रोल करने का कोशिश किया। तो एवरेजली एक्सपेंस को कंट्रोल किया और कंपनी का प्रॉफिट मार्जिन जो है वो टैक्सेस पे करने के बाद प्रॉफिट फॉर द पीरियड आप देखेंगे तो 10,660, मतलब आप अराउंड अराउंड आप बोल सकते हैं 106 करोड़ का टोटल इनकम हुआ। तो यहाँ पे पिछले बार कितना था, 181 करोड़ का प्रॉफिट हुआ था और पिछले सालों में तो मतलब जबरदस्त प्रॉफिट हुआ था, जबरदस्त, क्योंकि 208 करोड़ का देखिए जम जो है पिछले सालों से दो, मतलब इसीलिए मैं बता रहा था कि 49% क्यों लॉस, मतलब प्रॉफिट डाउन है। यहाँ से ही पता चल गया ना कि आपको पिछले बार 208 करोड़ का प्रॉफिट हुआ था, इस बार 106 करोड़ का, ओवरऑल 49 अराउंड 50% के आसपास कंपनी ने लॉसेस किया, लॉसेस नहीं प्रॉफिट डाउन हुआ। तो ये एक बहुत बड़ी बात है कोई भी कंपनी के लिए। तो आपको क्या करना होगा, आपको इस कंपनी के ऊपर क्या होना चाहिए, क्या करना चाहिए, उसके बारे में बात करूंगा। तो उससे पहले कुछ इन्फॉर्मेशन आपको दिखा दूं। देखिए आपको कंपनी के जो रेवेन्यूज है, मतलब उसके बारे में बात करूँ, कंपनी जो रेवेन्यूज कमा रहा है, मैं पहले आपको बता चुका हूँ स्पॉन्सरशिप में, कंपनी एडवर्टाइजमेंट में जो रेवेन्यूज कमा रहा है, तो उसके बारे में बात करूँ तो ओवरऑल 2018 में 6,685 का करोड़ का टोटल रेवेन्यूज कमाए थे। उसके बाद 19 में 7,900, 20 में 8,100, 2021 में 7,700 और इस बार 2020 में कंपनी अच्छा खासा रेवेन्यू कमाया 8,100। तो कंपनी का रेवेन्यू तो अच्छा खासा हुआ। अभी नेट प्रॉफिट के बारे में बात करूँ तो यहाँ से कुछ गड़बड़ी देखने को मिला। 18 में 1,400, 19 में 1,500, 2020 में कोविड के सिचुएशन में कंपनी का लॉसेस हुआ, मतलब प्रॉफिट डाउन हुआ 500, 2021 में 791 और 2022 में 955 करोड़। तो इसका मतलब जो प्रॉफिट का जो रेशियो है वो लगातार यहाँ पे मतलब इंक्रीज हो रहा था, अभी डिक्रीज हो रहा है। तो फिर से कंपनी धीरे धीरे कोशिश भी कर रहा है खुद का प्रॉफिट मार्जिन बढ़ाने के लिए, मगर कंपनी का जो टोटल डेप्थ है वो देखेंगे तो जीरो डेप्थ है। मैं एक इस कंपनी के एक खासियत जरूर कहूंगा, कंपनी जीरो डेप्थ है और कंपनी का रिटर्न ऑफ इक्विटी एक एवरेज लेवल में है। तो ये कुछ पॉइंट्स है जिस पॉइंट आपको बता देंगे कि कंपनी का हालत क्या है। आप देखेंगे तो प्रोमोटर के पास कितना, कर मैं पहले बता चुका हूँ, करीबन करीबन 3 से 4% तक होल्डिंग है और उस 4% से भी 5.5% तक उन्होंने गिरवी रखा है। मतलब जितने सारे मान के चले मेरे पास एक कंपनी का 10 शेयर है, तो 10 शेयर में मैं क्या किया, उसमें से 5 शेयर में गिरवी रख दिया। तो इसका मतलब है मैं कल जाके कंपनी, मेरे कुछ
पैसे की जरूरत है, कंपनी डूब भी जाए तो मेरे जो शेयर गिरवी रखे थे तो वो शेयर तो मुझे वापस नहीं मिलेगा, क्योंकि वो उसके लोगों के पास गिरवी रख के मैं पैसा उठाया, मैं पैसा नहीं चुका पाया तो वो पैसा चला जाएगा। तो एक बहुत बड़ा खतरा है कंपनी के लिए। और एफआईएस के पास देखिए, जब लगातार मतलब इंक्रीज हो रहा था, अभी डिक्रीज हो रहा है, मतलब एफआईएस को भी पता चल गया कि इस कंपनी से बने रहने से कुछ फायदा नहीं होगा। डीएस के बारे में बात करें तो डीएस देखिए लगातार बाइंग कर रहा है। और एक पॉइंट है जो पॉइंट सबको ऑब्जर्व करना होगा, पब्लिक के पास तो धमाका है, क्योंकि पब्लिक इस तरीके से कंपनी के ऊपर भरोसा करते हैं, क्योंकि इसका प्राइस रेंज करीबन करीबन 250 रुपीज के आसपास है। और सबसे बड़ी बात है कंपनी का प्रॉफिट रेशियो, आप देखेंगे तो ऐसे नहीं कि कंपनी ने प्रॉफिट नहीं किया, कंपनी हर साल प्रॉफिट कर रहा है, बिल्कुल प्रॉफिट कर रहा है। मगर फिर भी लोगों के मन में एक थॉट प्रोसेस आ जाता है, जो कंपनी आपको रिटर्न नहीं दे रहा है तो उस कंपनी के ऊपर निवेश करने से क्या फायदा। और जिस कंपनी का प्रोमोटर निकल गया, जिस कंपनी का हालत अभी इस तरीके से सिचुएशन क्रिएट हो चुके हैं, देखिए लोग आज टीवी में उतना ज्यादा जो न्यूज है, जो सीरियल्स है, जो सिनेमास है, वो उतना ज्यादा टाइम देकर नहीं देखते, क्योंकि लोगों हाथ में उतना टाइम नहीं है। आप कोई भी वेब सीरीज देखना है तो वो नेटफ्लिक्स में चले जाएंगे, हॉटस्टार में चले जाएंगे, तो इस तरीके से बहुत सारे मतलब ओटीटी प्लेटफॉर्म है, उस साइड में जाकर देख लेंगे। तो इसीलिए इस तरीके से कंपनी अभी धीरे धीरे करके मतलब बहुत ज्यादा पिट रहा है। तो मेरे हिसाब से इस तरीके से कंपनी को अभी से अवॉइड करना ही अच्छा है। फिर भी आपके ओपिनियन अलग हो सकते हैं, मेरे ओपिनियन अलग हो सकते हैं, मैं खुद का डिसीजन दे रहा हूँ। इसका मतलब ये नहीं कि मेरे डिसीजन आप लीजिए, आप खुद का रिसर्च करिए, थोड़ा सा इसके ऊपर स्टडी करिए, क्योंकि मैं सारा इन्फॉर्मेशन आपके सामने शेयर कर रहा हूँ, इस इन्फॉर्मेशन को देख कर आपको डिसीजन लेना होगा। आपको डिसीजन लेने से कोई नहीं रोक मतलब रोकेंगे, आप खुद का डिसीजन खुद ही ले सकते हैं। तो एक बार रिसर्च करना, उसके बाद निवेश करने के लिए जरूर सोचना। तो आशा करता हूँ सारा जानकारी आपको मिल चुका है। मेरे इस वीडियो को कैसे लगा जरूर कमेंट करना, और इसी तरीके से वीडियो पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब भी करना। मिलते हैं नेक्स्ट टॉक लेके, तब तक के लिए अच्छे से रहिए, अपने ख्याल रखिए, बाय बाय।